कहीं आप जाने अनजाने अपने छोटे से फूल जैसे बच्चों की लाइफ को बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं? कहीं आप उनसे उनकी शक्तियां तो नहीं छीन रहे हैं? आपको सुनने में ये सब थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आज 99.99% पेरेंट्स जाने अनजाने ये काम कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आप उनमें से ना हो। हाय, मैं हूं जस्मिन पटेल और आप सबका डिटेल्स पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो विषय है हमारा, वो थोड़ा सा कठिन हो सकता है, सुनने के लिए भी और समझने के लिए भी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझा पाऊं। वीडियोस बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं और आप भी बहुत सारे टॉपिक हमको सजेस्ट करते हो, तो टॉपिक्स की कभी कमी नहीं रहती है। तो थोड़े थोड़े वक्त के अंदर हम ऐसे वीडियोस लेकर क्यों आ जाते हैं जो लोगों को कभी कभी पसंद नहीं आते हैं, हार्ड लगते हैं? क्योंकि ऐसे वीडियोस के अंदर मैं बहुत ही कड़वी बातें करता हूँ। सच मानो मुझे ऐसी बातें करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम तो सिर्फ आपको सच दिखा रहे हैं। अब सच ही कड़वा हो तो हम क्या कर सकते हैं। मैं हर बार कहता हूँ कि ऐसे वीडियोस बनाने का हमारा एक पर्पस होता है कि ये सब वीडियोस को देखकर, ये कैटेगरी के वीडियोस को देखकर किसी एक आदमी तक भी हमारा मैसेज पहुंच जाता है और उसको कुछ सीखने मिलता है, उसका भला होता है। तो फिर लोग कितना भी डिसलाइक करें, कितना भी क्रिटिसाइज करें, ठीक है, वर्थ है, इतना तो करना पड़ेगा हमको। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको कड़ी बातें सुनना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप मुझसे नेक्स्ट वीडियो से जुड़ जाना वापस। इस वीडियो को स्किप कर दो यार, ये आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप किसी छोटे बच्चे के पेरेंट्स हो, या तो फिर आपका कोई छोटा भाई है, छोटी बहन है, तो ये वीडियो जरूर देखना, इसको मिस मत करना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अब शुरू करते हैं। हमारे यहां पर, मतलब हमारे देश में एक सिस्टम है, बच्चा जब पैदा होता है, या तो फिर कुछ केसेस के अंदर तो बच्चा पैदा होने वाला होता है, तब से घर के अंदर एक डिस्कशन शुरू हो जाता है कि बच्चे को कौन सी स्कूल में रखेंगे, कब रखेंगे, वगैरह वगैरह। और बच्चा पैदा होता है, 2-3 साल का हो जाता है, तब तक सारी तैयारी हो चुकी होती है, स्कूल वूल सब डिसाइड हो चुका होता है और बच्चे को 2-3 साल के अंदर स्कूल में रख दिया जाता है। अब लोग ऐसा क्यों करते हैं, इसके लिए सबके पास अपने अपने अलग अलग रीजन है, लेकिन सबसे बड़ा, सबसे कॉमन और सबसे स्टूपिड रीजन ये है कि सब लोग ऐसा करते हैं, इसलिए हम भी करते हैं। हमारे रिलेटिव्स ने ऐसा किया था, हमारे आजू बाजू वालों ने ऐसा किया है, इसलिए हम क्यों पीछे रह जाए। और दूसरा रीजन ये है कि सबको अपने बच्चे को बहुत बड़ा पंडित बना देना है, जितना हो सके उतना ज्यादा एजुकेटेड बना देना है। अब इस बात को हम यहां पर अधूरा छोड़ रहे हैं, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यह पूछना चाहूंगा, व्हाट इज एजुकेशन? आप क्या मानते हो एजुकेशन मतलब क्या? एजुकेशन मतलब एक बच्चे को पूरी तरीके से इंसान बनाना। अब इंसान ही क्यों बनाना है? क्योंकि इंसान इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिशाली और हर तरीके से विकसित प्राणी है, इसलिए इंसान बनाना है। एजुकेशन से इंसान बुद्धिशाली, संस्कारी, निरोगी और हर तरीके से विकसित बनता है। एजुकेशन कोई इंसिडेंट नहीं है, कोई घटना नहीं है कि चलो हो गए, चलो इसको एजुकेटेड कर देते हैं, नहीं, ये एक प्रोसेस है। और ये प्रोसेस कब से शुरू होती है? जब से इंसान के सेंसेस काम करना शुरू करते हैं। और इंसान के सेंसेस काम करना कब से शुरू करते हैं? जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है, तब से। इसलिए कहा जाता है कि गर्भवती महिला को अच्छी चीज़ें सुननी चाहिए, अच्छी चीज़ें पढ़नी चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छे माहौल में रहना चाहिए, क्योंकि उसके साथ साथ वो बच्चा भी हर चीज़ को सेंस कर रहा है। तो तब से उसका एजुकेशन शुरू हो जाता है। जब बच्चा पैदा होता है, दुनिया में आता है, तो हर तरीके की चीज़ों को देखता है, उसके सेंसेस हर चीज़ को महसूस करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि 1 से 5 साल तक इंसान के जो सेंसेस हैं वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। इसलिए आप देखना, छोटे जो बच्चे होते हैं उनको सब चीज़ करनी होती है, सब चीज़ उनको देखनी होती है, सब चीज़ उनको टेस्ट करनी होती है, कुछ भी वो लोग खा लेते हैं,
हर चीज़ उनको सुननी होती है, हर चीज़ को टच करना होता है, और इसीलिए उनको चंचल कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे चंचल होते हैं, वो बैठ कर नहीं रह सकते, उनको कुछ ना कुछ करना होता है, सीखना होता है, महसूस करना होता है। और 1 से 3 साल तक बच्चा जो सीखता है वो उसकी स्कूल लाइफ में, उसकी कॉलेज लाइफ में और उसकी ज़िंदगी में जितने भी इंसिडेंट होते हैं वो सब में सब मिला के उतना नहीं सीख सकता है, ये चीज़ प्रूव हो चुकी है। अब यहाँ पर एजुकेशन से, वो बुक वाला एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर यही सबसे बड़ा गलती है। बुक वाली जो एजुकेशन है उसको औपचारिक शिक्षण है, वो एजुकेशन का एक पार्ट है। हम यही गलती करते हैं कि हम इसी को एजुकेशन समझते हैं, वो एक पूरे एजुकेशन का एक छोटा सा पार्ट है, वो जो आना चाहिए, सीखना चाहिए, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। अब इतनी छोटी सी उम्र में, 2.5-3 साल की उम्र में बच्चों को उठा के स्कूल की 4 दीवारों के अंदर फिट कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। आई नो कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं, उनके साथ बुरा नहीं करते हैं, लेकिन अनजाने में ही सही, लेकिन लोग अपने बच्चों के साथ बुरा ही कर रहे हैं, क्योंकि आजकल का एटमॉस्फेयर ही वो हो गया है। अगर कोई अपने बच्चों को 5 साल के अंदर स्कूल में रखने जाएगा तो लोग कहेंगे देखो देखो देखो, बच्चा 5 साल का हो गया तब इसको होश आया उसको पढ़ाने का, हमने तो अपने बच्चों को 2.5 साल में रख दिया था। वी डिडंट वॉन्ट टू टेक एनी रिस्क, नो। अबे कौन सा रिस्क, किस रिस्क की बात कर रहे लोग यार। जितने भी शिक्षा मनोवैज्ञानिक है और उनके जितने रिसर्च, उनके रिजल्ट है, वो यही कहते हैं कि बच्चों को स्कूल में रखने की ये उम्र सही नहीं है। इतनी छोटी सी उम्र के अंदर बच्चों को स्कूल में नहीं रखना चाहिए। बच्चों को जितना लेट रखा जाएगा, ये रिसर्च कहता है, बच्चों को जितना लेट स्कूल में रखा जाता है उनका सेल्फ कंट्रोल उतना ही डेवलप होता है, बच्चा उतना ही हाइपर एक्टिव होता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुए एक रिसर्च के मुताबिक जिन बच्चों को 6 या 7 साल की उम्र में स्कूल में रखा गया था उनका सेल्फ कंट्रोल बाकी बच्चों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा था। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बच्चों को 7 साल में स्कूल में रखो, 6 में रखो 5 में रखो, बहुत ज़्यादा जल्दी है और रहा ही नहीं जा रहा है, तो 4 में रखो यार, लेकिन 2.5-3 साल में मत रखो, प्लीज़ करके मत रखो। जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, और आप भी रिसर्च कर लेना, पढ़ लेना जहाँ पढ़ना है, उनका कहना है कि ये जो सेल्फ कंट्रोल का जो गुण है वो इंसान के अंदर छोटी सी उम्र में ही विकसित हो सकता है, स्पेशली ये 1 से 5 साल की उम्र तक। और सेल्फ कंट्रोल अगर बच्चे में होगा तब जाके वो अपनी ज़िंदगी में हर सिचुएशन का सामना कर पाएगा, हर चुनौती से लड़ पाएगा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता थॉमस डी और हैंस हेनरिक सीवरजन ने इसी बात पर एक रिसर्च किया था, और उसके लिए उन्होंने DNBC दानिश नेशनल बर्थ कोवेट में से कुछ डेटा कलेक्ट किए थे। और उनके रिसर्च के रिजल्ट भी यही कहते हैं कि जिन बच्चों को 1 साल लेट स्कूल में रखा गया था उनका हाइपर एक्टिव लेवल बाकी बच्चों के कंपैरिजन में 73% हाई है, ज़्यादा है। और अभी एक न्यूज़पेपर में छपा था अलग अलग देशों के जो एडमिशन की एज है, तो कुछ देशों के अंदर वो 5 साल थी, कुछ में 6 साल थी और कुछ में तो 7 साल थी। और हमारे प्राचीन काल में भी ये उम्र 7 साल बताई गई है। प्राचीन काल में लोग 7 साल से लेकर 25 साल तक पढ़ाई करते थे, मतलब 18 साल का ड्यूरेशन था। आपने कई बार सुना होगा कि उस राजा ने 18 साल तक अध्ययन किया, तो ये 18 साल है, 7 से लेके 25 साल तक। और आजकल हम लोग भी एवरेज 17 साल पढ़ाई करते हैं, तो अगर आप अपने बच्चे को 4 साल की एज में रखोगे तो कोई देरी नहीं हो जाएगी, आपका बच्चा लेट नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर आप फिर भी 2.5-3 साल में रख दोगे तो आपके ईगो की वजह से, आपके स्टेटस को संभालने के चक्कर में, लोगों की देखा देखी में आपके बच्चे का बचपन तो खराब कर ही रहे हो, उसका फ्यूचर भी खराब कर रहे हो। बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ने ये कहा है, शास्त्रीय वैज्ञानिकों ने ये कहा है, हमारे प्राचीन काल ने ये कहा है, इतने रिसर्च हो चुके हैं, तो ये सब तो गलत नहीं हो सकते ना। अगर फिर भी हमको ये बात समझ में नहीं आती है तो फिर रख दो बच्चों को उस फैक्ट्री में, रख दो जहां पर रोबोट्स बनते हैं, जैसे सब करते हैं वैसे हम भी करेंगे, ठीक है। बच्चों को इस उम्र के अंदर खेलना होता है, कूदना होता है, गाना होता है, चिल्लाना होता है। ये एक पीरियड ऐसा होता है हर इंसान का जहां पर वो ये नहीं सोचता है कि कौन क्या सोचेगा। बच्चा जो भी करता है दिल से करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोच रहे हैं। और ऐसे बच्चों को उठाकर अगर बंद कर दिया जाए, और वहां पर क्या सिखाया जाता है, प्ले ग्रुप, नर्सरी, व्हाटएवर, वहां पर क्या सिखाया जाता है, चुप रहो, आवाज मत करो, धीरे बोलो, गाना मत गाओ, चिल्लाओ मत। शुरू शुरू में उसको थोड़ा सा और लगता है, बच्चा रोता है, फिर वो धीरे धीरे एडजस्ट कर लेता है, उसको पता चल जाता है कि जो भी है यही है, एक प्रोग्रामिंग हो जाता है उसका।
जिंदगी भर उसी तरीके से वो बिहेव करने वाला है। आप सोचोगे कि मेरा बच्चा बहुत डिसिप्लिन हो चुका है, डिसिप्लिन नहीं हुआ है सर, उसके अंदर का जो क्यूरियोसिटी था, जो एक्साइटमेंट था हर चीज को सीखने का, उसको आपने खत्म कर दिया है आपके ईगो के चक्कर में। अभी मैं मेरी फिल्म शूट कर रहा था, वहां पर एक छोटे बच्चे का सीन था, तो उसको डायरेक्ट स्कूल में से लेके आए थे, तो डायरेक्टर उसको समझा रहे थे बेटा दिल से करो, तो उसके जो मैडम थे क्लास टीचर वो भी उसको समझा रहे थे बेटा दिल से करो। अरे जब बच्चा दिल से कर रहा था तब आपने उसको रोक दिया, टोक दिया, अब बड़ा हो गया है वो, तो उसको आप बोल रहे हो कि दिल से करो। और ये केस सबका है, जब वो खेल रहा होता है तब आप उसको रोक देते हो, उसके दिल की बात बोलते हो कि मत सुनो, चुप रहो, चुप। फिर जब बड़ा होता है तो सोचते हो कि मेरा बच्चा ऐसा क्यों नहीं होता है, मेरा बच्चा ऐसा क्यों नहीं करता। नहीं हो सकता ना यार, आपने बेस ही ऐसा रेडी किया है। आई नो आपको ये सब सुनने में बहुत कड़वा लग रहा होगा, अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज आप अपने बच्चे के साथ ऐसा मत करो। हर बच्चे का एक अलग माइंडसेट होता है, हर बच्चा कुछ अलग करना चाहता है। वहां पर प्ले ग्रुप में, नर्सरी में, जहां पर भी आप बच्चे को भेजते हो, वहां पर बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक फैकल्टी होती है, उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा बच्चा क्या करना चाहता है, कौन सा बच्चा क्या बोलना चाहता है। और वैसे ही वहां पर तो सब कुछ रोक दिया जाता है। और एक ऐसा वक्त, 1 से 4 या 1 से 5 साल का ऐसा वक्त जिसमें बच्चा जो भी सीखेगा उसके आधार पर उसकी पूरी लाइफ बनने वाली है, ऐसा वक्त आप किसी और के भरोसे पर कैसे दे सकते हो। बच्चे को अपने पास रखो, मार्केट लेकर जाओ, गार्डन लेकर जाओ, मंदिर लेकर जाओ, मस्जिद लेकर जाओ, बच्चा अपने आप सब कुछ सीखेगा। डेफिनेटली वहां से तो अच्छा ही सीखेगा, फर्क ही रहेगा कि यहाँ पर बच्चा खुल के सीखेगा, यहाँ पर कुछ भी पूछने से पहले वो डरेगा नहीं, सोचेगा नहीं, वहां पर डर के पूछेगा, कभी तो पूछेगा ही नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप हमारी बातों से सहमत हो, तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो, फॉरवर्ड करो अगर आप सहमत हो तो। अगर सहमत नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना कि आप सहमत क्यों नहीं हो। और अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आपको यहाँ पर ऐसे मीनिंगफुल वीडियोस रोज मिलते रहेंगे। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।